नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। चक्रवाती तूफान अम्फान बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्र तटों पर दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान से दोनों राज्यों के तटीय जिलों में बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। अम्फान अगले 24 घंटों के दौरान और अधिक तीव्र होकर खतरनाक रूप ले सकता है। चक्रवाती तूफान पर निरंतर नजर रखी जा रही है और संबंधित राज्य सरकारों को इस संबंध में लगातार सूचना दी जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सरकारों ने तटीय क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए अपनी आपदा प्रबंधन बल मुस्तैद कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अम्फान से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। मोदी ने तूफान के बाद की संभावित स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों तथा तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के संबंध में एक प्रेजेंटेशन भी दी। बल के महानिदेशक ने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए 25 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 12 अन्य को तैयार रहने को कहा गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात 24 अन्य टीमों को भी स्थिति के अनुसार बुलाया जा सकता है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार PK सिन्हा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और विभिन्न मंत्रालयों के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि ये तूफान उग्र स्थिति से बढ़ रहा है और इसके बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने की संभावना है। तूफान के कारण इन दोनों राज्यों में बेहद तेज गति से हवा चलने के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। देश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के पिछले 2 दिनों से लगातार 5000 मामलों की बढ़ोतरी हो रही है और इसकी यही रफ्तार रही तो अगले 24 घंटों में संक्रमित मामलों की संख्या 1 लाख को पार कर जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5242 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 96169 हो गई है। इसी अवधि में 157 लोगों की मौत हुई है, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3029 हो गई। देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद एक सुखद पहलू यह भी है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 2715 लोग ठीक हुए हैं और ऐसे लोगों की संख्या 36000 से अधिक हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 36824 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। केंद्र सरकार देश में कोरोना COVID-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर है और कोरोना के नियंत्रण तथा रोकथाम को लेकर उचित प्रबंधन नीति बनाई जा रही है, जिसकी निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि देश में अभी तक कोरोना के कुल 56316 सक्रिय मामले हैं और अभी तक 36824 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2715 मरीज ठीक हो गए हैं और इन्हें मिलाकर अब कोरोना के ठीक होने की दर बढ़कर 38.29% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थिति रिपोर्ट 118 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में कोरोना के पुष्ट मामलों यानी प्रति 1 लाख आबादी की बात की जाए तो यह भारत में यह बहुत ही बेहतर है और देश में यह संख्या 7.1 प्रति लाख है, जबकि विश्व की आबादी के अनुसार यह 60 मामले प्रति 1 लाख है। विश्व में कोरोना के कुल पुष्ट मामलों की संख्या इस समय 45,25,497 है और इस आधार पर प्रति 1 लाख की आबादी में कोरोना के कुल मामलों की संख्या औसतन 60 है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से विश्व भर में अब तक 47.13 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इस बीमारी से 3.15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 47,13,620 हो गई, जबकि कुल 3,15,185 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के बोर्ड की परीक्षा के शेष बचे हुए पेपरों की परीक्षा डेटशीट सोमवार को घोषित कर दी। यह परीक्षाएं दिल्ली के पूर्वी इलाके के साथ साथ पूरे देश भर में आयोजित की जाएंगी। CBSE के अनुसार यह परीक्षाएं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेंगी। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से होंगी और 1:30 बजे तक होंगी।
इन परीक्षाओं में भी उन्हीं नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए मान्य है। मसलन परीक्षार्थी को मास्क पहनकर जाना होगा और सैनिटाइजर भी ले जाना होगा। इसके अलावा उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना अभिभावकों का काम होगा कि उनके बच्चे बीमार ना हों। वायरस के कारण देश भर में 31 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की छूट मिलने के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का कहना है कि फिलहाल अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग शिविर शुरू करने पर जल्दबाजी नहीं करेगी। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर बताया था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। BCCI के कोषाध्यक्ष अनु सिंह धूमल ने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अगले दिन सोमवार को बयान जारी कर बताया कि देश भर में 31 मार्च तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी है, इसलिए BCCI अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग शिविर शुरू करने पर कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के लिए खिलाड़ियों और स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे में BCCI कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों पर कोई प्रभाव पड़े। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।